नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद से कुछ उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकारों के राजस्व पर भी बड़ा असर पड़ा है। हाईवे पर शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। पूरे भारत में शहरों और राज्यों के प्रशासन ने कानूनी विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में हाईवे को स्टेट रोड में तब्दील करने की प्रक्रिया भी जारी है। केंद्र सरकार संविधान की धारा 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ राज्यों को मिलकर लिखित तौर पर केंद्र से आग्रह करना पड़ेगा। राजस्थान में 2,800 शराब की दुकानें बंद हुई हैं। हरियाणा में गुरुग्राम सहित तकरीबन 200 बार बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र में 15,699 शराब की दुकानें और बार बंद हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 100 शराब की दुकानें बंद हो गई हैं। तमिलनाडु में करीब 3,000 दुकानें बंद हैं। फिलहाल देश में फूड सर्विस इंडस्ट्री लगभग 4 लाख करोड़ की है। इस इंडस्ट्री को 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। वहीं शराब के कारोबार से हर साल 12,000 करोड़ रुपए का एक्साइज रेवेन्यू मिलता है, जो घटकर करीब आधा हो जाएगा। भारत के जीडीपी में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की हिस्सेदारी 7% की है, जो 3,74,00,000 नौकरियां भी पैदा करता है। हाईवे पर शराबबंदी के बाद से इसमें करीब 5% यानी 10 लाख नौकरियों की कमी का अनुमान है। गो न्यूज रिपोर्ट।